हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एगलेस स्पॉन्ज केक की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जो कि बिना ओवन और बिना मैदा के बनाएंगे, सूजी से बनाएंगे और कट करने से पता चल रहा है ना बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है महीन वाली सूजी, जिसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा कर लिया था। एक कप सूजी, एक कप चीनी और एक कप दही लेना है। अब देखिए, हमने मिक्सिंग बोल में ले लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप के करीब रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल ही लें या ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल मत लीजिएगा। अब देखिए, इसमें हम ऐड कर देंगे दही। तो केक का सबसे बेसिक फंडा यही होता है कि आपको सबसे ये पता होना चाहिए कि आप जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उसका मेजरमेंट कैसा है। तो सब चीज़ एक ही कप से मेजर करते हुए लें। तो अभी देखिए, दही में हमने फेंट लिया है ऑयल अच्छी तरह से, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल अब पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और ये अंडे का सब्स्टिट्यूट है, बहुत ही बेहतरीन केक बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, दही में ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो पाउडर्ड शुगर है। तो पाउडर्ड शुगर इसमें ऐड करके अभी इसे भी हम इस तरह से मिक्स करके फेंट लेंगे। तो ये याद रखें, जब केक बना रहे हो तो एक डायरेक्शन में ही फेंटें। तो देखिए, इसको एक डायरेक्शन में ही फेंटेंगे। तो देखिए, इसको मैंने फेंट लिया है। अब देखिए, अब इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी। तो सूजी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं। और सूजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर मोटी सूजी होगी तो उसको मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा के आप पतला कर लीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके सूजी ऐड करेंगे एंड मिक्स करते जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने इसमें सूजी डालकर मिक्स कर लिया पूरा। अब इसमें हम इसका कंसिस्टेंसी सही करने के लिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लास के करीब दूध। तो यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसमें हम इसकी कंसिस्टेंसी सही करेंगे। यहाँ देखिए, थोड़ा सा और दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे फिर हम ढक कर रखेंगे 15 मिनट तक। तो इसको 15 मिनट रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और अभी देखिए, सूजी ने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया है दूध को, एंड आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो थोड़ा सा दूध और डालेंगे एंड इसकी कंसिस्टेंसी हम सही करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं दूध डालकर इसे मिक्स कर ले रही हूँ। इसे 15 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी था। अब देखिए, यहाँ पे ऐसी कंसिस्टेंसी हमें कुछ चाहिए। तो देखिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा और एक टेबलस्पून के करीब भरकर बेकिंग पाउडर, और उसके बाद एक चम्मच वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो देखिए, ये सब डालकर इसे मिक्स कर लीजिए। और फिर चलते हैं इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी में यहाँ पे मैंने एक चम्मच मैदा मिक्स कर लिया है। ये आप ज़रूर याद रखें कि टूटी फ्रूटी डायरेक्ट मत ऐड किया करिए, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स। इसका मेन सीक्रेट ये होता है कि टूटी फ्रूटी में मैदा मिला देंगे तो ये सब आपस में चिपकेगा नहीं, और बहुत ही अलग अलग हर जगह केक के हिस्सों में आपको ये मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी इसमें डालकर मिक्स किया है, थोड़ा सा मैं बाद में भी मिक्स करूँगी। अब चलते हैं केक टिन की ओर। तो यहाँ देखिए, केक टिन को मैंने अच्छी तरह से पहले यहाँ पे मैंने लगाया है ऑयल और फिर मैदा डालकर ग्रीसिंग कर लिया है। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मैं थोड़ा सा टूटी फ्रूटी नीचे डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये नीचे भी आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब पूरे केक में टूटी फ्रूटी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हम बैटर डाल देते हैं केक का। तो ये देखिए, मैंने बैटर डाल दिया है, इसे टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स जो हों वो सेपरेट हो जाए। और थोड़ा सा इसमें से टूटी फ्रूटी हम ऊपर से इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें थोड़ा ऊपर भी टूटी फ्रूटी ऐड किया है, एंड लास्ट में मैं जब केक बन जाएगा तब फिर ऐड करूँगी। अब केक को हम बेक करेंगे। तो केक को बेक करने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई को गर्म किया था 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर। यहाँ पे नमक डालकर मैं इसे बेक कर रही हूँ, और इसे हम बेक करेंगे 45 मिनट्स तक, फ्लेम रहेगा मीडियम। तो यहाँ देखिए, 45 मिनट्स हो चुके हैं, केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो टूथपिक निकाल कर चेक किया तो बहुत अच्छी तरह से केक बेक हो चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं। आप ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको 25 मिनट्स तक भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, केक रेडी है, इसे डीमोल्ड कर लेते हैं ठंडा होने के बाद। तो यहाँ देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली ये बन जाता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है गाइस। मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है।
तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।